गोड्डा के कुसुम घाटी गांव में इन दिनों ब्रेन मलेरिया अपना पैर पसार रहा है। इस गांव में अब तक 15 लोगों में ब्रेन मलेरिया के लक्षण पाए गए हैं, तो वहीं एक बच्ची की मौत हो गई है। बता दें कि मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आई है। फिलहाल 10 गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है, जिसमें कार्तिक बेटा गांव में सबसे ज्यादा संख्या में पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।